कश्मीर के कुपवाड़ा में 18 नवंबर को आए एवलांच में बर्फ में दबने से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक जवान राजस्थान के नागौर के रहने वाले 22 साल के मुकेश कुमार भी हैं। मुकेश कुमार नागौर जिले के लाडनू तहसील के रोडू गांव के रहने वाले थे। वे 56 राष्ट्रीय राइफल्स की 268 फील्ड रेजिमेंट में लांस नायक पद पर तैनात थे। शुक्रवार को वे अपने 2 साथियों के साथ माछिल सेक्टर के अल्मोड़ा चौकी के पास ड्यूटी दे रहे थे। दोपहर 12 बजे एवलांच में तीनों जवान दब गए और हादसे के बाद तीनों को बाहर निकाला। तब तक उनकी जान जा चुकी थी और साल 2000 में जन्मे मुकेश कुमार ने 2018 में आर्मी को ज्वाइन किया था। शहीद के पिता किशनलाल लखारा गांव में ही खेती करते थे। शहीद मुकेश के एक छोटा भाई है जो अभी सेना की तैयारी कर रहा है। इधर गांव के लोगों को शहीद की जानकारी मिलने के बाद से मातम छा गया है। शहीद का गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। कपवाड़ा में सियाचिन ग्लेशियर में 56 आरआर में तैनात थे और बड़ी मुस्तैदी से यहाँ आते थे। तभी कई लोगों से मिलते जुलते थे, अपने बारे में बताते थे लोगों को, अपने साथ के बच्चों को मोटिवेट करते थे कि आप फौज के लिए तैयारी करो। फौज बहुत एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और रोडू में बहुत सारे लोग फौज में सेना में रहे हैं, लेकिन यह गौरव हमें अभी आज तक प्राप्त हुआ नहीं था। बचपन से उसका शौक था देश के लिए सेवा करना और उसने अपने हिसाब से तैयारी की, देश के लिए फौजी बना और आज अभी कुपवाड़ा में शहीद हो गया बर्फबारी में। गमगीन इनका माहौल है। बाद में हमारा रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद दोनों सेलेक्ट हो गए, दोनों अलग अलग सेंटर हो गया। उसका 8/3 हैदराबाद हो गया था, मेरा राजगढ़ सेंटर हो गया था। दोनों सेंटर में उसकी 11 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी, मेरा 13 दिसंबर को ज्वाइनिंग थी। वो अलग सेंटर में चला गया, दोनों की अलग अलग वो ट्रेनिंग चली।